वीडियो है वो बफिंग के बारे में है, जो हम क्रोम पार्ट की रॉयल एनफील्ड के बफिंग करते हैं तो उसको हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन इस बफिंग को करने के लिए प्रॉपर जो बफिंग होती है उसका जो क्या जुगाड़ हमको लगते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने ये कुछ अटैचमेंट लिए हुए थे, लोकल ही शॉप से लिए थे, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है लेकिन ऑनलाइन थोड़े महंगे हैं, तो ये 100 रुपये के आसपास का मुझे पूरा आया था। ये एक स्पंज है, स्पंज का कोई रोल कॉल होता ही नहीं, कोई यूज़ नहीं होता जब हम बफिंग करते हैं क्रोम पार्ट की, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो आप देख ही रहे हैं इसका जो मटेरियल, और ये चिपक जाता है, ये एक्चुअली चिपकने वाला इसमें पीछे लगा होता है एक मटेरियल, तो वो हमारा जो अटैचमेंट है अलग अलग हम अटैचमेंट इसमें चिपका सकते हैं जैसा ये। और ये एक और था, ये स्क्रॉच से थोड़ा सॉफ्ट होता है, जैसे हम बर्तन मारने का स्क्रॉच ब्राइट होता है ना उससे सॉफ्ट होता है, तो ये यूज़ किया मैंने एक बार, लेकिन इसका ये पीछे का चिपक नहीं रहा क्योंकि अब इसके ऑलमोस्ट ये ख़राब हो गया है सिंगल यूज़ पे। और ये जो इसका पार्ट है ये अपना ड्रिल मशीन में लग जाता है और हम उसको टाइट कर देते हैं, ये बना बनाया जुगाड़ आता है। तो अब इससे एक इफ़ेक्टिव एक और चीज़ है जो मैंने फिर बाद में मार्केट में ही सर्च की और वो मैं अभी आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। और इसके और ये जो अटैचमेंट जितने भी इसके साथ आए हैं ये बहुत महंगा पड़ने वाला है, 100 रुपीज़ के आसपास इसकी कॉस्ट है, और इसके फिर अलग से बाद में नहीं आता है, फिर पूरा सेट ख़रीदना पड़ेगा इतने सारे अटैचमेंट का। तो जो सबसे बेस्ट चॉइस है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ये आप बिल्कुल अवॉइड करिए, मत लीजिएगा, पैसे वेस्ट मत करिएगा इसमें। और इसमें कुछ और ये अटैचमेंट है, एक वोल्ट, ये वोल्ट टाइप है सॉफ्ट, ये जनरली इसका कोई यूज़ नहीं है, ओनली एक ही अटैचमेंट हमको लेना है वो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। वाले अटैचमेंट को आप अवॉइड करिए और इसमें आपका पैसे वेस्टेज होगा, सबसे इकोनॉमिकल ये होगा। ये वाइट कलर का सबसे अच्छा इसका पहचान है, वाइट कलर का ये रहेगा, और इसमें हमने एक जुगाड़ बनाई है, ये नट और बोल्ट ये आपको वहीं मिल जाएंगे उसी शॉप पे या किसी भी हार्डवेयर शॉप पे। हाँ, इसके साथ दोनों साइड आपको बासर लगाने हैं क्योंकि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक में हम ये इसको बीच में दोनों साइड टाइट कर रहे हैं, तो ये बासर इसको सपोर्ट देगा और ये प्रॉपरली चलता रहेगा, ब्रेक भी नहीं होगा। तो मैं आपको एक खोल के बता देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी फिट कर लिया था। इस तरह से अटैचमेंट आएगा वाइट कलर का, और मैं आपको जूम करके बता देता हूँ इसका जो मटेरियल, क्योंकि कई बार मटेरियल हमको समझ में नहीं आता। तो ये देखिए, एक जूम करके आपको एक अंदाज़ा हो रहा होगा, ये ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ज़्यादा हार्ड है, स्क्रॉच ब्राइट की तरह ही एक समझ लीजिए एक मटेरियल है जो हम बर्तन साफ करने का एक आता है, लेकिन उससे थोड़ा और ये फाइन सॉफ्ट मटेरियल है, आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो इसको देख के लीजिए, वाइट कलर का ही आता है, इसी तरह का मटेरियल है। और आपको कौन सा वाला अटैचमेंट यूज़ नहीं करना है, ये वीडियो आप बने रहिए, वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गलतियां हमको नहीं करनी है, नहीं तो हमारा क्रोम ख़राब हो सकता है। तो ये अटैचमेंट आपको 50 रुपये तक मिल जाएगा लोकल शॉप में, ऑनलाइन देखेंगे तो ऑनलाइन आपको महंगा मिलने वाला है, तो इसलिए आप कभी भी लोकल शॉप में ट्राई करिए, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये नट बोल्ट भी हार्डली मुझे ये 20 रुपीज़ का उन्होंने दिया, उन्हीं के पास ये सारे अवेलेबल थे, तो ये मेरा ड्रिल में फ़िट करने वाला जुगाड़ बन गया। तो इस तरह से ये ड्रिल में फ़िट हो जाएगा, बस इसी तरह से आपको कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं। इसको फाइनली जब हम फिट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, इसको टाइट कर लीजिए, इसको सेट करने के बाद फिर हम इसको ड्रिल मशीन में अच्छे से टाइट कर देंगे। और ड्रिल मशीन आप कोई भी यूज़ करिए जो आपके घर में अगर ऑलरेडी पड़ी हुई है, या आपको एक सस्ती सी ड्रिल मशीन खरीद सकते हैं, 1,000 से 1,500 के बीच आपको एक अच्छी ड्रिल मशीन मिल जाएगी, तो वो वन टाइम एक प्रोडक्ट रहेगा आपके लिए। ओवरऑल प्रोडक्ट है आपको वो लोकल शॉप्स में ट्राई कर लेने तो आपको बहुत सस्ते और अच्छे मिल जाएंगे, और भी जो इसमें प्रोडक्ट लगेंगे बफिंग करते समय तो मैं अभी आपको बताऊंगा, वीडियो में आप बने रहिए। तो ये फाइनल फिटिंग हमारा हो चुका है। अटैच करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको एक जूम करके बता देता हूँ, इसमें ये कुछ कोड डले हुए हैं, शायद ये कोड आपको शायद काम आए कुछ, अगर आप मार्केट में ढूंढेंगे, आप लोकल ढूंढ लीजिएगा, ऑनलाइन में बहुत महंगा है, ऑनलाइन में इजीली आपको ये मिलेगा नहीं अटैचमेंट, और लोकल किसी भी हार्डवेयर शॉप से आप ले सकते हैं। तो ये चलिए हम इसको लूज़ कर लेते हैं अपनी ड्रिल मशीन को, और लूज़ करने के बाद प्रॉपर एक लूज़ करने के बाद ये अटैच हो जाएगा। तो लोकल कोई भी हार्डवेयर शॉप होते हैं जो ड्रिल मशीन जहाँ पर मिलती है, या कोई भी इस तरह की हार्डवेयर मशीन मिलती है, हार्डवेयर टूल्स मिलते हैं, वहाँ ये अटैचमेंट आपको मिल जाएगा। हो सकता है किसी एक शॉप में ना मिले, हार्डवेयर शॉप मतलब जहाँ पर
पावर टूल्स की जो शॉप्स होती हैं, हम इस तरह से बोल सकते हैं, वहाँ पर ये बिल्कुल भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ये इसको टाइट कर लेते हैं, और इसको प्रॉपरली आप टाइट कर लीजिए। और ड्रिल मशीन को चलाते समय थोड़ा आपको केयरफुली इसको चलाना, बहुत सावधानी रखिए। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, प्रॉपर आप टाइट करेंगे। हाँ, मशीन को चलाते चलाते बीच बीच में नट, एक्चुअली वो जो हमने जुगाड़ बनाया वो ये साइड जो हमें दिख रहा है वो साइड वाला थोड़ा ढीला हो जाता है, तो उसको हमें एक टाइट करते रहेंगे हम, एक 14 या 15 नंबर का जो पाने होते हैं उससे। और ये ग्रीन कंपाउंड है, ग्रीन कंपाउंड यही वाला आपको यूज़ करना है, सॉफ्ट होना चाहिए। क्योंकि जब हम इसको हम कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताऊंगा, जब हम जो भी हमारा रबिंग का जो अटैचमेंट है हम उसमें इसको लगा लेते हैं, और थोड़ा बहुत मटेरियल हम अपने क्रोम पार्ट पे भी लगा लेते हैं। इस तरह से हम इसको लगा के रोटेट करते हैं, मतलब हम मशीन को थोड़ा चला देते हैं, तो ये उसमें एक तरह से मटेरियल लग जाता है, और फिर हम बफिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए, हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको चला के, प्रॉपर चल रहा है। मेरा आपको एक सजेशन है कि आप जो भी अटैचमेंट और ये जो ग्रीन कंपाउंड है आप लोकल ट्राई करेंगे तो आपको सस्ते मिल जाएंगे। ये 100 रुपीज़ का ये आपको मिल जाता है। ये मैंने आधा कटा हुआ एक्चुअली पड़ा हुआ था, उनसे लिया हुआ है, और ये अटैचमेंट भी आपको 50 रुपये का मिल जाएगा। लेकिन ऑनलाइन ये सब चीज़ें महंगी हैं दोस्तों। एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो है निकल पाउडर। निकल पाउडर इस तरह से वाइट कलर का ये होता है, ये कपड़ा डला हुआ है। तो ये मैंने काफ़ी लोकल शॉप में सर्च किया, मुझे नहीं मिला। मैंने काफ़ी हार्डवेयर शॉप में ढूंढा, कुछ लोग पहले रखते थे, अब रखना बंद कर दिया है। ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, और यदि लोकल में मुझे कहीं मिलता है तो मैं आपको डेफिनेटली आगे के वीडियो में बताऊंगा। ये मुझे ये पाउडर मुझे किसी ने जो काफ़ी मेंटेन रखते हैं अपनी बाइक को, उनके पास 96 का CD100 मॉडल है, तो उनको इनफैक्ट अवार्ड भी मिला हुआ है। तो उन्होंने मेरे शॉप को देखते हुए तो मुझे ये दे दिया कि उनके पास ये रखा हुआ था। अब वो कहाँ से लाते हैं, तो उन्होंने बोला कि वो मेरा वेंडर है, तो मैं आपको जब लगेगा तो प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी मिल नहीं रहा है, तो उनके पास भी इतना ही पड़ा हुआ था। तो ये इसका यूज़ जो है, जब हम क्या होता है कि बफिंग कर लेते हैं तो उसमें काफ़ी सारा कुछ कंपाउंड रह जाता है, ब्लैक ब्लैक कहीं कहीं स्पॉट्स रह जाते हैं, तो हमें फाइनल उसको कपड़े से साफ़ करना है। और फिर इसको हम जब ये पाउडर को हम जब लगा देते हैं, तो ये क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा जो रबिंग कंपाउंड का जो है उसके स्पॉट्स हैं उसको साफ़ कर देता है, एक तरह से ये उसको खींच लेता है, तो ये फाइनल फिनिशिंग आपको देगा। तो दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के जो शुरू में बताया था कि आपको क्या सावधानियां रखनी हैं, या फिर क्या आपको ध्यान रखना है अटैचमेंट लेते समय, जैसे कि गलत अटैचमेंट लेके आपका क्रोम ख़राब ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो अभी मैं वाइट वाला जो शुरू में आपको बताया था, ये जब हम यूज़ करते हैं कंपाउंड को, हम जिस तरह से इसमें लगा कर हम जब बफ करते हैं तो ये इस तरह से काला हो जाता है, तो ये इसका ये वाइट है, ये देखिए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये काफ़ी अभी चलेगा, अभी काफ़ी सर्विस देगा ये, और इसकी अभी थिकनेस भी घिसा नहीं है, ये काफ़ी अभी बाकी है। तो हमें यही वाला अटैचमेंट यूज़ करना, और कौन सा नहीं करना है जो गलती से हम ले लेते हैं वो ये वाला है। ये बहुत ही हार्ड है, मैं आपको एक जूम करके बता देता हूँ, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। ये देखिए, ये काफ़ी हार्ड है, इसको जब हम चलाते हैं कंपाउंड लेके तो ये हमारे निकल को नुकसान पहुंचाता है, जो हमारा इंजन का जो क्रोम पार्ट है, या कहीं पर भी हम साइलेंसर पे भी करते हैं। ये अच्छा कब है, ये तब अच्छा है जब जैसे कि रस्ट लग जाती है साइलेंसर में, बहुत जंग लग जाती है, तब हम उस ये कंपाउंड को लगाकर हम फिर जब इससे बफ करेंगे तो वो उसकी जो रस्ट है उसको ये निकाल देगा। ये डायरेक्टली उसको नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाएगा क्योंकि रस्ट का एक लेयर ऑलरेडी है उसमें, तो जब रस्ट क्लीन हो जाएगी फिर हम उसके बाद इसको ये नॉर्मल वाले से बफ कर लेंगे कंपाउंड लगा के। तो हमको ये यूज़ नहीं करना है, ये अवॉइड करना है, क्योंकि जब हम लोकल शॉप में जाते हैं या ऑनलाइन भी हम देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम बफ करते तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमें कौन सा वाला ये लेना है अटैचमेंट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा
ये वाइट कलर का, ये वैसे ही आता है, तो वाइट कलर वाला अटैचमेंट आप लें और ये इस तरह से रहेगा, इसके रेशे निकले रहेंगे, मतलब ये सॉफ्ट है, ये एक तरह से ज़्यादा ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, लेकिन ये बहुत ही हार्ड है, तो इसको भूल कर भी यूज़ मत करिएगा। दूसरा कंपाउंड की बात रही, तो कंपाउंड लोकल शॉप में मैंने अभी फर्स्ट टाइम जब लिया था ग्रीन कंपाउंड लेने के पहले, तो ये एक दारा का जो जिसके अंदर लिक्विड पॉलिश है उसी का एक कंपाउंड उन्होंने बोल के दिया था, ये देखिए स्पेशल ग्रीन कंपोजिशन करके लिखा हुआ है, और स्टेनलेस स्टील एंड स्टेनलेस निकल। अब इसमें देखिए ये इतना हार्ड है इसका, ये निकलता ही नहीं है जब हम पॉलिश करते हैं, ये एक तरह से पाउडर बन के उड़ जाता है, तो ये हमें कंपाउंड इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि जब हम इसमें ये चलाते हैं अटैचमेंट तो इसमें लग जाए और फिर हम इससे बफ कर दें। तो ग्रीन कंपाउंड आप लीजिए, इस तरह के कोई भी जो कंपाउंड आते हैं उनको अवॉइड करिएगा, कोई काम नहीं आएगा, वेस्टेज जाएगा आपका पैसा और रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा काफ़ी लोग ग्राइंडर में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी ये तो हमने ड्रिल का एक जुगाड़ बना लिया, हम ये जो अटैचमेंट आते हैं जनरली ये ग्राइंडर में भी अटैच होते हैं, तो ग्राइंडर में इस तरह से अटैच होते हैं, ये ग्राइंडर भी काफ़ी लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो ग्राइंडर का क्या है, रोटेशन जैसा मुझे अभी हार्डवेयर शॉप ने यही बताया था कि आप ग्राइंडर से करने की बजाय आप ड्रिल मशीन का यूज़ करिए, क्योंकि इसका जो रोटेशन है बहुत फास्ट होता है और ये जिस जो बफिंग हमको करनी है उसमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि उसमें इतना हमको फास्ट रोटेशन नहीं चाहिए। हम जब कंपाउंड लगाते हैं तो जैसे हम जब साफ़ करते हैं पॉलिश लगा के, क्रोम पॉलिश लगा के जब हाथ से करते हैं तो धीरे 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 हम उसको ये करते हैं, लेकिन इसमें इतना फास्ट होता है कि वो कंपाउंड का कुछ असर ही नहीं होगा। तो ये ग्राइंडर को अवॉइड करिए, और ड्रिल मशीन वाला ये एक बस आपको नट लेने हैं, बस इतनी एक प्रॉब्लम ये जाएगी कि ये करते करते बीच बीच में ढीला हो जाता है ये, तो ये जब ढीला हो जाता है मशीन को बंद कर लीजिए और इसको 15 नंबर का पाना होता है उससे आप दोबारा से टाइट कर लीजिए, तो ये टाइट हो जाएगा। और थोड़ा सावधानी ये रखिए कि जब आप मशीन चलाते हैं, जब आप इसको टाइट करते हैं, कई बार ऐसा हो सकता है कि बटन दब जाए, तो आप पूरा स्विच जहाँ से आपने लगाई हुई स्विच बंद करके ही यूज़ करें, क्योंकि यदि ये चल गई तो आपको चोट लग सकती है, आपके हाथ में कहीं भी चोट लगेगी, तो वो आपको सावधानी रखनी है। तो बफिंग का जो वीडियो है अलग से मैं आपको एक बताऊंगा शूट करके, क्योंकि इस वीडियो में यदि मैं वो उसको एड ऑन करूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मेरा जो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो बफिंग मैंने जो किया उसका क्या रिजल्ट आया, कैसा रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बफ कर दिया है, बहुत ही जल्द मैं अपलोड करूँगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बफिंग से रिलेटेड, मैंने भी फर्स्ट टाइम किया तो मेरा रिजल्ट कैसा आया, मुझे क्या प्रॉब्लम गई, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।